जब आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा। मित्र, लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है उसका जो पहला सत्र है उसमें ही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला शुरू हो चुका है। मित्रों, स्पीकर के पद पर चुनाव होगा और ये पहली बार हो रहा है देश के अंदर 1952 और 1976 के बाद में कि जब स्पीकर के पद के लिए लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। और इतिहास तो बन ही रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे जो माहौल चल रहा है, इस पूरे माहौल में मैं कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि इस वक्त की राजनीतिक स्थितियाँ लगातार बन रही हैं। मित्र, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने लोकसभा के इस 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और वो कुल्हाड़ी इसलिए मार ली है क्योंकि मित्रों, अगर आप देखें तो जो रिजल्ट आया था 4 जून को, उसको लेकर के देखा जाए तो ज़्यादा जो चिंता थी वो बीजेपी ने जताई, क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ ही माना कि हम 272 के पीछे रह गए। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार विपक्ष में बैठकर भी बहुत खुश है, उसको लग रहा है कि हमें 100 सीटें मिल गई हैं। तो पहली बार मोदी को चुनौती देता हुआ विपक्ष नज़र आया तो इस बात से कम थोड़ा सा राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बना हुआ था। लेकिन अब चूंकि ओम बिरला खड़े हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी से स्पीकर पद के लिए के सुरेश ने भी अपना नामांकन भर दिया है तो अब समझ लीजिए कि जब मुकाबला होगा और वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को तो वोट कम ही मिलने हैं, अलायंस को तो वोट कम ही मिलने हैं, इंडिया अलायंस को। ऐसी स्थिति में जब नैतिक रूप से जो लोकसभा का फ्लोर है वहाँ पर भी जब बीजेपी की जीत हो जाएगी तो इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी ही मार लेगी, यानी उसके एक लिए उसके लिए जो माहौल देश में बन रहा था वो माहौल पूरी तरह से उसका ख़राब हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी पहली महत्वपूर्ण बात है किस तरह से राहुल गांधी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि के सुरेश को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी दलित कार्ड खेल रही है तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरे देश से छिपा रही है। और ये दिलचस्प बात क्या है, दरअसल के सुरेश जो है वो केरल से आते हैं, केरल से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, 8 बार के वो सांसद रहे हैं पर 2 बार वो चुनाव हारे हैं और साल 2009 में तो उनका जो इलेक्शन का नतीजा आया था उसके ऊपर सवाल भी खड़े हो गए थे। इसलिए क्योंकि मैं आपको मिंट की खबर दिखा रहा हूँ, ये जो मिंट अखबार है इसने जब क्योंकि अब ये खड़े हो रहे हैं चुनाव में तो हर अखबार छाप रहा है कि भाई आखिर ये सुरेश के सुरेश हैं कौन। तो साल 2009 में इनके जो नामांकन था चुनाव जीतने के बाद भी इनके नामांकन के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी और वो याचिका ये थी कि इन्होंने खुद को बताया दलित लेकिन दरअसल ये एक ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। और ये मैं आपको खबर अखबार की जो कटिंग है उसको दिखा भी रहा हूँ कि 2009 में इसको लेकर के केरल के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इनको क्रिश्चियन बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है अगर देखा जाए तो मामले को फिर रिजर्व रखा गया है अभी तक। देख, के सुरेश की हार तय है, अब के सुरेश को एक दलित चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ने खड़ा किया है। तो देखिए, अब यहाँ पे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो एक दलित कार्ड खेलना चाहते हैं कि देखिए दलित के खिलाफ है बीजेपी, लेकिन इस बात को उन्हें जानना चाहिए कि कोई भी समाज जो है वो हारे हुए नेताओं को अपना हीरो नहीं बनाता है। जब के सुरेश जो है वो चुनाव हार जाएंगे तो उनको आखिर दलित अपना नायक क्यों मानेगा। आप बताइए, मायावती से बड़ा तो कोई नेता है नहीं दलितों का। लेकिन देखिए इस बार क्या हुआ चुनाव में, बहुत सारे दलित जो कि बीएसपी से छटक गए वो सारे के सारे जाकर समाजवादी पार्टी को वोट दे आए। क्यों? क्योंकि उनको भी लग गया कि अब जब मायावती हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है या मायावती उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो इससे अच्छा कि हम वहाँ से हट जाएं। तो देखिए बात बहुत सीधी सी है कि जब के सुरेश की हार तय है तो ये कहा जाएगा कि दरअसल राहुल गांधी ने के सुरेश को अपनी एक तरह से बलि का बकरा बनाया। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण एक बिंदु इसमें है, दिलचस्प बिंदु है, वो क्या है मित्रों, वो बिंदु ये है कि अब चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन पहली बार देश एक ऐसे मोदी को देख रहा है जो कि अगर देखा जाए तो सीटों के लिहाज से एक कमज़ोर मोदी है। और मैं एक ललन टॉप न्यूज़ चैनल है उस पर मैं राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो
थंबनेल दिख रहा था कि राजदीप सरदेसाई ने ये कहा कि मोदी को कमज़ोर आंकना जो है बड़ी भूल होगी, मोदी बहुत मजबूती से कमबैक करेंगे, मैं मोदी को जानता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो है मोदी तो घायल शेर हैं, क्या क्या जो भी। तो अब यहाँ पर सबकी नज़र इस बात पर भी है कि आखिर जो राष्ट्रपति का अभी अभिभाषण होने वाला है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, उस चर्चा में मोदी भी बोलेंगे, उस चर्चा में राहुल गांधी भी बोलेंगे। तो अब तक तो देश ने उस मोदी को लोकसभा में बोलते हुए देखा है जो धाड़ते थे, क्योंकि बहुमत की ताकत थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होगा उसको हर कोई सुनना चाहता है, और मुझे लगता है शायद कि स्पीकर का चुनाव होने के पहले, क्योंकि दोनों साइड से कल वोट पड़ेंगे, तो अगर जो है प्रोटेम स्पीकर चाहेंगे तो हो सकता है कि उसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका भी मिले, एक डिबेट भी हो। तो दरअसल ये भी इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि शायद राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि उनको एक मौका मिल जाए अपनी बात रखने का और देश के सामने एक माहौल बनाएं। यानी अगर देखा जाए तो वो खुद की नेतागिरी के लिए एक दलित चेहरे को आगे करके, जानते हुए कि वो हारेंगे, उनको बलि का बकरा बना रहे हैं, जिससे कि दलितों के बीच में एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का ये जो दलित कार्ड है ये कोई अच्छी रणनीति है, ऐसा मुझे नहीं लगता। चौथा मित्रों जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एनडीए का आखिर असली नंबर क्या है, और यूपीए का असली नंबर, और इंडिया अलायंस का असली नंबर क्या है, इसका भी जो दिलचस्प, ये बड़ा दिलचस्प मैटर है, इसका भी खुलासा जो है वो कल ही हो जाएगा, कल वोट पड़ेंगे। और अभी तक जो स्थिति है वो जानते हैं आपकी, 290 से ज़्यादा जो आंकड़ा है वो एनडीए का है, और इंडिया अलायंस तो उससे बहुत पीछे है अभी अगर देखें बहुमत के आंकड़े से। तो अब आप देखें अगर मित्रों, तो जब इस बात पर वोट, कल जब इस पर वोटिंग होगी तो इसमें बहुत से ऐसे दल भी होंगे जो गैर हाजिर रहेंगे, बहुत से ऐसे दल भी होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, बहुत से ऐसे दल भी हो सकते हैं जो कहें कि नहीं भाई हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, हम तो कहीं और वोट कर देंगे। तो दरअसल कल जो है वो असली आंकड़ा आने वाला है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कितने विधायकों का, या इंडिया अलायंस के साथ कितने विधायकों का समर्थन है, और कितने सांसदों का समर्थन है, और बीजेपी के साथ में जो एनडीए अलायंस है उसके साथ में कितने सांसदों का समर्थन है, ये आंकड़ा कल आने वाला है। अब देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है, आप देखिए तो जो पश्चिम बंगाल की राजनीति, अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी कामयाबी मिली है ममता बनर्जी को, हालांकि वो सारे के सारे जो है जानते ही आपकी तानाशाही और धांधली के वोट हैं, फिर भी जब जीत के आए हैं तो जीत के आए मानना ही पड़ेगा। तो दरअसल ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के साथ हैं कि नहीं हैं, ममता बनर्जी भी राहुल गांधी को नेता मानेंगी कि नहीं मानेंगी, इस पर भी एक अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो कहीं जो इंडिया अलायंस की ताकत है, यानी कि आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेके अपना गठबंधन तोड़ चुकी है, ऐसे ही हाल ममता बनर्जी का है, वो कहती है कि हम बाहर से समर्थन देंगे, करते हैं, अंदर समर्थन नहीं करते। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि कल का जो दिन है उससे समझ में आएगा कि आखिर एनडीए का और इंडिया अलायंस का जो समर्थन है उसका एक्चुअल आंकड़ा क्या है। ये मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट जो राजनाथ सिंह है, दरअसल राजनाथ सिंह को ही ये जिम्मा सौंपा गया है पूरी तरह से एनडीए के समन्वय का, विपक्ष से बातचीत करके सदन को चलाने का भी एक बड़े वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और कहा यह जा रहा है कि संसद के अंदर आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह, ये सब एनडीए अलायंस के भी नेता, ये सब आज साथ बैठे थे और वहाँ पर इनकी चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर के कि भाई एक समझ बूझ के साथ में जो है स्पीकर का चुनाव हो जाए। इस संबंध में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की और खड़गे की फ़ोन पर बात हुई और खड़गे ने इस पर जो है ये शर्त रख दी कि भाई राजनाथ जी, अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद हमको दे देंगे तो हम स्पीकर के पद पर सहमति कर लेंगे। लेकिन बीजेपी शायद ही मन बना चुकी है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद या तो जेडीयू को देगी या टीडीपी को देगी। अब इन स्थितियों में, इन हालातों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो ये डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, इसको लेकर के सहमति नहीं बन पाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम उनको इस बारे में बाद में सूचित करेंगे, लेकिन इस बारे में अब तक कोई दोबारा से जो बातचीत खड़गे से नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि यही वो बिंदु है जहां से इसके बाद दोनों के बीच में ये तय हो गया कि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होंगे। और आप देखिए तो अगर इस चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इतिहास में 1952 के बाद और 1976 के बाद कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब
यानी ये तीसरी बार है आज़ाद भारत में कि जब स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने जा रही है। तो मित्रों कल का दिन बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है, कल भी मैं इस विषय पर बोलूँगा, आपसे बात करूँगा और आपके इस पर क्या विचार हैं आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा। आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स अगर छोड़ दिए, इस पर मुझे बोलना चाहिए था, इस पर भी आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।